मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिंदुस्तानी भाव को छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए हिंदुस्तानी भाव ने वकीलों से सलाह मशवरा किया। हिंदुस्तानी भाव का असली नाम विकास पाठक है। रविवार को स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा तय समय पर होगी और ऑफलाइन पद्धति से होगी। इस बात को लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है। विद्यार्थी परीक्षा का समय बढ़ाने और ऑनलाइन पद्धति से एग्जाम लेने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में सोमवार को 10वीं और 12वीं के छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम लेने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। इन विद्यार्थियों ने मुंबई की धारावी में स्थित स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बंगले का घेराव भी किया था। सैकड़ों की तादाद में जमा हुए छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाया, जिससे महाराष्ट्र भर में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिससे कोविड नियमों का उल्लंघन तो हुआ ही, साथ में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस पूरी घटना की जाँच के आदेश दिए थे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।